एवरीवन वेलकम टू क्लास कैसे हैं आप लोग मेरी ऑडियो आ रही सही से एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए देन आई स्टार्ट चलिए सभी To find on YouTube how to get more views. Good evening. <laughs> okay. चलिए स्टार्ट करते हैं आई थिंक अब ऑडियो वगैरह सब कुछ सही होगी मेरी hmm. स्वागत है आप सभी का एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स टॉपिक के लगातार इम्पोर्टेंट जितने भी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए जरूरी है उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ ऑडियो वगैरह ठीक है किसी प्रकार का को कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक्निकली तो सब ठीक है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ठीक है। सब कुछ चंगा है। चलिए। चंगा स्वागत है महिमा, कनिका, रेलवे में 2018 का पूछा था हम्म, ये तो सही कह रहे हैं आप आगे पीछे बहुत सारे पूछ रहे हैं तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक एंड शेयर जैसा आप हमेशा कर देते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार को देख रहे हैं प्लस इसके बारे में जितने भी, जीके भी जी के पॉइंट आपसे भी जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखेंगे प्लस 2020 के ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अपकमिंग 2021 में दिया नहीं गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है तो इस पर्टिकुलर क्लास को दोस्तों आप कर कल कर दीजिएगा लाइक like, जो आप ऑलवेज कर देते हैं एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा लाइक like करने के साथ साथ चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे मेरी क्लासेस डेली होती है साढ़े पाँच बजे थर्सडे एंड संडे को छोड़ के मैं लगातार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक इस पर्टिकुलर चैनल पर कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ठीक है एंड uh, अगर आप एस सी सीरियस एस्पायरेंट हैं तो अन अकेडमी में बहुत सारे प्लस में बहुत सारे टॉप बैचेज आ चुके हैं जो आप एग्जामिनेशन क्वालीफाई करने में हेल्प ले सकते हैं अगर आप इन बैचे से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी 21 एक, तारीख एक से देखिए मतलब कल से बहुत सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं देखिए एक बैच 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है टीम स्टार्ट बैच स्टार इस है इसे ज्वाइन कर सकते हैं देख रहे हैं आप टॉप एजुकेटर जो कंट्री के हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं आप लोगों के लिए एंड दूसरा सी अपकमिंग जो हमारा सी उसके लिए ब्रह्मास बैच आ चुका है इक्कीस जुलाई से आप इसमें जुड़ सकते हैं देखिए एस एस की भी वैकेंसी आ चुकी है तो उसके लिए भी बैच आ चुका है लक्ष्य एस एस सी तो बैच दोस्तों आपके सारे सिलेबस को कवर करते हैं कंट्री के टॉप एजुकेटर होते हैं अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं पीडीएफ स्टडी मटेरियल होते हैं अनलिमिटेड टेस्ट होता है वीकली क्विज़ होता तो है डेडिकेटेड डाउट होता तो है ये सारी चीज़ें आपको वन स्टॉप मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं एंड जुलाई में सब्सक्रिप्शन का रेट बढ़ने वाला है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए तुरंत फटाफट ले लीजिए सब्सक्रिप्शन दो साल के लिए देखिए अठहत्तर सौ का है एक साल के लिए सस्ती का पैंसठ सौ का है इसमें भी आप ओ टेन कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दस परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाता है सभी का स्वागत है भाई बहुत सारे लोग आ चुके हैं एंड uh, एकदम देर मत कीजिए क्योंकि प्राइस जुलाई में बढ़ने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर वन है आपका दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और ऊपर टाइमर चलेगा उतने में ही आपको आंसर करना है चलिए बताइए फटाफट तेजी के साथ <coughs> चलिए ठीक है एक्चुअली अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया नवांश ने आंसर किया है बस ऑडियो में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं फ़ैन बंद कर दूंगा बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1901 जीरो वन इज़ द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर वन 1901 सौ एंड नोबेल फाउंडेशन आपका बना कब था अगर आपसे पूछा जाएगा तो पचासी तो में मैं फैन बंद कर लूंगा बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है सही, सही है वैसे ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो नाइनटीन अब देखिए मैंने अपने सभी क्वेश्चन साथ आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लिए हैं जो आपको बताएगा एक्चुअली इसके बारे में तो देखिए नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फेड नोबेल की याद में 1901 में इसको शुरू किया गया वितरण शांति साहित्य भौतिक रसायन चिकित्सा विज्ञान अर्थशास्त्र मतलब टोटल टो टो छह छे क्षेत्रों में इसका वितरण किया जाता है इसमें देखिए एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है और दस लाख डॉलर रुपए का एक पुरस्कार राशि भी प्रदान किया जाता है अब आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल का कौन सा तो उनका सबसे महानतम डायनामाइट का जो आविष्कार किया था उन्होंने उसके लिए वैसे अल्फ्रेड नोबेल ने कुल मिला के तीन सौ किए थे जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस था आपका डायनामाइट वाला तो जब उनकी अट्ठारह में मृत्यु हुई एटीन में तो उनके संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस ट्रस्ट को दिया गया और इसके उसके जो ब्याज जो उसका इंटरेस्ट आता है उससे इन छो फील्ड में अलग अलग जो बढ़िया शोध कर रहे हैं जो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज ला रहे हैं मानव जीवन के लिए विकास के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाने लगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से किसे 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 का जो शांति पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया एंड प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सभी लोग तेजी के साथ जिससे दूर तलक जा सके शांति का दिया गया नोबेल पुरस्कार 2020 का कौन कौन आंसर कर रहा है विवेक मानसी नवानश कनिका हम्म क्या होगा आंसर सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द राइट आंसर ठीक है अब ये देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको ये अवार्ड देना पड़ा इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दोस्तों 100 मिलियन लोगों को फ्री में खाना खिलाया ठीक है लगभग 100 मिलियन लोगों को इन्होंने फ्री में भोजन कराया मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है इसलिए दोस्तों इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का दिया गया ठीक है अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शांति का किसके दिया गया तो याद रखेंगे अब ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड फ्रूड प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य क्या है या फिर ये क्या ऐसा करता है जो सराहनीय कार्य है देखिए भूख से लड़ने संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थिति बेहतर बनाने में युद्ध में व संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में इस मतलब इसका मेरा काम यही है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम ही यही है ये अक्सर ऐसे ही मौके पे लोगों की मदद करता है ठीक है याद रखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए लुइस ग्लक को इनमें से किस क्षेत्र में थे उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया क्वेश्चन है क्या सर पढ़ने के लिए इतना सारा है जो पढ़े वही इंपॉर्टेंट है क्या पढ़े सी जी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए देखिए बहुत कुछ नहीं है आपको लगता है बहुत कुछ है बहुत कुछ नहीं है आप यूपीएस यूपीटीएससी या फिर कह लीजिए सिविल सर्विसेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को मिला जुला के देखेंगे तो बहुत उड़ के चालीस टॉपिक होगा आप जी को मिला जुला के देखेंगे तो बहुत उड़ के वो भी पच्चीस से तीस होगा तीस तीस कर लीजिए साठ टॉपिक के, के आसपास ही आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ इतना आएगा कभी नहीं लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ता है तो अगर आप एक दो एक दो टॉपिक डेली भी खत्म करोगे तभी भी आपका करंट अफेयर्स जीके खत्म हो जाएगा जैसे मैं बात बता रहा हूँ अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस वजह से तो लुइस ग्लक दोस्तों लिटरेचर के फील्ड में दिया गया याद रखिएगा तो 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 ग्लग हमारे भारत में भी दोस्तों सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो लिटरेचर के फील्ड में ही दिया गया कब दिया गया नाइनटीन में दिया गया किसको मिला था बताइए उन्नीस में किसको मिला था भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार ठीक है वैसे ये जो लुइस ग्लक है इनको दिया गया तो ये देखिए 2020 2020 में इनको दिया गया था लुइस ग्लक को इनकी काव्यात्मक आवाज के लिए इनकी जो बेहतरीन काव्यात्मक आवाज है इसीलिए इनको दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक के क्षेत्र में नवान जी स्वागत है जय गुड इवनिंग जी हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर इज राइट शिवानी व राइट रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला दिया गया था 1913 में ठीक है 1913 में एंड यहाँ पे क्या हो गया आंसर यहाँ पे तीनों आंसर से हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव ठीक है रोजर पेनरोज रेनहार्ड गेंजिल गेंजील एंड इंट्रिया गेज इन तीनों लोगों को वर्ष 2020 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया अगर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में भारत में सबसे पहले किसे दिया गया भारत में फिजिक्स के लिए दो लोगों को मिला है तो पहले व्यक्ति कौन थे जिनके इसी उपलक्ष्य में दोस्तों साइंस दिवस हम लोग मनाते हैं विज्ञान दिवस मनाते हैं ठीक है कब मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं और सीवी रमन को नाइनटीन थर्टी सन उन्नीस में पहले व्यक्तित्व तो हैं जिनको साइंस फिजिक्स के क्षेत्र में इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया ठीक है रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने अब ये तीनों नाम याद रखेगा कि रोजर पेनरोज रेनहार्ड हार्ड गेंजिल एंड एंड्रिया गेज ये तीनों लोगों को 2020 में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया अब इन्होंने क्या कारनामा किया था ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों दिया गया इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इनको दिया गया दोस्तों ये ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जो इनको दिया गया यह एंड्रिया गेज आकाश गंगा में एक सुपर मैसिक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए स्पेशली दिया गया ठीक है ब्लैक होल थ्योरी जो है उसमें इन्होंने हेल्प की थी इस वजह से इनको दिया गया यह पुरस्कार अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि यह पुरस्कार का वितरण किस दिन होता है समारोह में, तो में, में नोबेल की मृत्यु के नोबेल की मृत्यु के वर्षगाट के रूप में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है तो अब यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षा पूछा सकता है कि कब दिया जाता है तो दस दिसंबर को दिया जाता है याद रखिएगा इसको नेक्स्ट देखते इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रसायन के क्षेत्र में दोस्तों इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया है काइंडली शेयर इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिससे कि बाकी लोग भी जुड़ जाएं और दे पाएं इसको देख पाएं दे पाएं चलिए बताइए सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल चारपेंटियर इनको दिया गया था ना एक और है बताइए कौन दो लोगों को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में तो एक और कौन है बताइए फिलहाल आपको मैं दोनों नाम बता देता हूं याद रखेगा दोनों इंपॉर्टेंट है इनको देखिए किस लिए दिया गया था आपसे यह भी पूछा जा सकता है तो जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति की खोज करने के लिए इमेनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना ठीक है ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों नाम को याद रखेगा इनको दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में ठीक है अब याद रहेगा फिर से एक बार देख लीजिए जेनिफर ए डोडना एंड इमेनुअल चारपेटर को दिया गया इजी वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए रोजर पेंडोज को किस योगदान के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो इन्होंने क्या किया था आपको बताना है टाइमर इज ऑन नाम भी साथ साथ याद करते चलते हैं हम लोग क्या लगता है भाई पीयूष जी स्वागत है तो यस अभी मैंने आपको बता ही दिया था टू सर्च फॉर ब्लैक होल मतलब यही ब्लैक होल की जो इन्होंने एक सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट की खोज की थी इसीलिए ब्लैक होल क्या होता है इतना ज्यादा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि ये अपने अंदर प्रकाश को भी निगल लेता है ठीक है तो ए फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अब यहां पे मैं फिर से आपको बताऊंगा क्योंकि दो तीन बार बताऊंगा तो याद हो जाएगा तो रेनहाल जर्मन के हैं रेनहाल गेंजिल और अमेरिका के हैं एंड्रिया गेज और रिजर पेंोज हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी जिसकी वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया क्लियर तो याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका एंड्रिया गेज भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी महिला बनी है भौतिक के क्षेत्र में बहुत कम महिलाओं को दिया गया है लेकिन ये कौन सी महिला है जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रही है आपको बताना है तो ये नवांश के एम महिमा पीयूष सोनकर और कौन कौन आंसर कर रहा है शिवानी रेवती मानसी सभी के आंसर आ रहे हैं आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ दूर तलक इसको पहुँचाइए और आ... चलिए मैं बताता हूं यहां पे चौथा फोर्थ इज राइट ऑप्शन नंबर डी ये फोर्थ महिला बनी है दोस्तों जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है तो इसके पहले किसको किसको मिल चुका है तो भौतिक के क्षेत्र में पाने वाली ये चौथी महिला बनी है इसके पहले मैडम क्यूरी को दिया गया था 1903 में 1911 में भी इनको केमिस्ट्री के लिए मिल चुका है 1961 में मारिया जियोपर्ट मायर को मिला था 2018 में डोना स्ट्रिक लैंड को दिया गया था तो चौथी महिला बनी है दोस्तों एंड्रिया जो कि भौतिक के क्षेत्र में किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया दो हजार बीस में क्लियर नेक्स्ट देखिए इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया ये इंपॉर्टेंट है गुड इवनिंग चुलबुल चुलबुल की चुलबिली अरे यार नाम अच्छा रहता तो बड़ा बढ़िया रहता हम्म इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स एम राइस को दिया गया ठीक है चार्ल्स एम राइस को दिया गया है वैसे तीन नाम हैं तीनों नाम मैं आपको बताऊंगा फिर से क्योंकि आपको याद करना है याद भी रखना है एक तरीके से कह लीजिए तभी जरूरत भी है तो अमेरिका के चिकित्सा शोधकर्ताओं और वायरोलॉजिस्ट हार्वे जे अल्टर पहले नंबर चार्ल्स एम राइस दूसरा नंबर एंड ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल यूटन इन तीनों लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है ठीक है तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया याद रखेंगे तीन नाम हार्वे जे अल्टर चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल यूटन ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखिए माइकल यूटन को किस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया मतलब अब तो आप नहीं बता पाएंगे ना इतना कठिन प्रश्न आ गया है मुझे नहीं लगता कोई आंसर दे पाएगा इसका सारा कुछ लिखा हुआ है माइकल यूटन को किस वायरस के खोज के लिए जी हाँ सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर करने के लिए स्पेशली दिया गया था तो अब कितने लोगों को दिया गया था मैंने आपको इसमें तीन नाम बताया था फिर से बता रहा हूँ याद रखिएगा हाँ हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया था और कौन कौन थे ये तीनों लोग अमेरिका के थे हार्वेजे अल्टर ओके चार्ल्स एमराइज थे उसके बाद तीसरे थे आपके माइटन माइकल यूटन ठीक है नेक्स्ट देखिए और अगला क्वेश्चन है आपका जेनिफर ए डोडना को 2020 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया जेनिफर ए डोडना को 2020 का किस नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया फिजिक्स के केमिस्ट्री ट्रीटमेंट लिखा एक्चुअली वो मेडिसिन होगा बताना है सभी को एंड हिट लाइक एंड शेयर लाइक एंड शेयर का बटन दबा दीजिए तेजी के साथ जिससे दूर तक तो जाए और लोग भी जुड़ जाएं क्लास के दौरान तो अभी मैंने बताया है आपको ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट केमिस्ट्री में मिला है इनको केमिस्ट्री जेनिफर ए डोडना मिला है केमिस्ट्री में मिला है जी हाँ मैंने आपको बताया था फ्रांस की हैं इमैनुअल चारपेंडियर और संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं जेनिफर ए ठीक है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्रिशर कैश नाइन आर्डविक कैची जो एक जेनेटिक सीजर को विकसित किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसीलिए स्पेशली इनको ये अवार्ड दिया गया है ठीक है तो मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नोबेल विज्ञान में किसी महिला टीम को ये मिला है नोबेल पुरस्कार के वितरण में ऐसा पहली बार हुआ है अगला देखें जीनोम एडिटिंग क्या है बहुत ईजी है भारत के हरिगुवंध खुराना को नाइनटीन में नोबेल पुरस्कार मिला था जीनोम एडिटिंग के लिए ही तो बताइए जीनोम एडिटिंग क्या है कमेंट करके तेजी से प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग ब्लड बोन कैंसर द प्रोसेस ऑफ मोडिफाइंग डी एन ए द प्रोसेस ऑफ फॉर इन टू दीच तो क्या लगता है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ना जीनोम के लिए भारत में सबसे पहले हरिगोविंद खुराना को कब मिला था नोबेल पुरस्कार 1968 में इनको दिया गया था याद रखेंगे मोडिफाई ऑफ डीएनए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे क्रिस्पर कैश जिसके लिए इनको दिया गया अवार्ड अगला है लुइस ग्लग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया अभी मैंने आपको बता दिया 2020 का लेकिन ये किस देश की कवित्री हैं आपको बताना है कहाँ की रहने वाली क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है तो यही है तो ये साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कन्फर्म है दो का इन्हीं को मिला है लेकिन ये किस देश की है फ्रांस की है अमेरिका की है स्पेन की है ब्रिटेन की है कहाँ की है बताना है आपको तो लुइस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की ऑप्शन नंबर ए इज राइट बी इज राइट अमेरिका के रहने क्लियर नेक्स्ट देखिए तो इनको मैंने बता दिया इनके बारे में पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया भाई साहब इतना कठिन प्रश्न है कि कोई बता नहीं पाएगा हमको लग रहा है बताइए पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन है भाई ये सी वी रमन रविन्द्रनाथ टैगोर हरिगोबिंद खुराना मदर टेरेसा सही आंसर दोस्तों हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया सी वी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया हरिगोविंद खुराना को 1968 में एट में के लिए दिया गया मदर ट्रेसा को दिया गया 1979 में शांति के लिए दिया गया फिर इनको 1980 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था और ये भारत की मूल निवासी नहीं थी ये अल्बिनिया के रहने वाली थी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो ये याद रखिएगा एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्र में दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है एकमात्र महिला जिनको विभिन्न क्षेत्र में दो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है कौन है भाई ग्रेटी कर्वे मैरम क्यूरी बहुत ईजी है एकमात्र महिला है महिला है तो क्या लगता है बी इज राइट जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी इज द राइट आंसर अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है तो ये देखिए ऐसे चार महानतम व्यक्तित्व हैं जिनको दो दो, दो बार नोबेल पुरस्कार मिला गया है इसमें से मैडम क्यूरी भी हैं इनको पहले फिजिक्स के लिए फिर इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया क्रम से तीन और एक ग्यारह में रेड और एक है देखिए आप फ्रेडरिक सेंगर जिनको दो बार केमिस्ट्री में मिला है आपका ली पौ, लीनस पॉलिंग है जिनको एक बार केमिस्ट्री में और एक बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया टोटल चार नाम हैं जो आपको याद रखना है फिलहाल इनके लिए आपको याद रखना है मैडम क्यूरी हाँ जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और इनको 1930 में रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए ठीक है जो दिया गया 1903 में 1903 में इसके बाद 11 में मिला था पॉल मिलग्राम को इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसके लिए किया गया है बताइए पॉल मिलग्राम को किसके लिए सम्मानित किया गया है केमिकल इकोनॉमिक्स फिजिक्स या फिर पीस वाह भाई वाह जय महाकाल बादल जी पूड़ी कचौड़ी नाम भी है और भूख भी लगी है सही है यह भी ठीक है मतलब इनका नाम पूड़ी कचौड़ी है और इनको भूख भी लगी है खा लीजिए पहले खाना वाना खा के आइए आराम से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ना इकोनॉमिक्स भारत में इकोनॉमिक्स के लिए दो लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है बताइए कौन कौन भारत में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए बताइए कमेंट करके एक देखिए मिला है आपका 1998 में एंड एक मिला है आपका 2019 में एक मिला है दोस्तों किसको अमृत सेन को और एक मिला है अभिजीत बनर्जी को ठीक है दो लोगों को अब तक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिल चुका है और ये भी याद रखें ठीक है थीके? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अर्थशास्त्री हैं पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 में जो कॉमर्शियल ऑक्शन है जो वाणिज्यिक नीलामी है इसके क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया दो में अगला देखिए रॉबर्ट विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया चलिए देखते हैं कितने लोग अच्छे से देख रहे हैं यहाँ पर अरे यार पानी पूरी भी है क्लास में आप लोग नाम बदल बदल के आ रहे हैं क्या गोलगप्पे तो पसंद होंगे ही हाँ सही बात है पूरी कचौड़ी गोलगप्पे पानी पूरी और कोई नाम है <laughs> सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स के लिए ना इकोनॉमिक्स के लिए देखिए दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया अभी मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन रॉबर्ट विल्सन एंड फॉल विलग्राम को दिया गया था नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में हर साल दिया जाता है क्या कठिन प्रश्न है एंड आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं लगातार ऐसे टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है जैसे ये आपका पक्का आएगा नोबेल पुरस्कार आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए आपका लगभग सब कुछ इसमें कवर भी हो जाएगा तो नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में तो एल्फ्रेड नोबेल की याद में और मैंने आपको बताया कि इन्होंने कम से कम तीन सौ पचपन आविष्कार किए थे तीन सौ पचपन नेक्स्ट देखिए अगला है आपका दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान की जाती है ये बताना है अच्छा क्वेश्चन है बताइए कितने क्षेत्र में मतलब क्या कहा जाए इसको ना टोटल सात क्षेत्र होंगे सही क्या हमको ऐसा लग रहा है कि सात क्षेत्रों में दिए जाते हैं ना छ ही में दिए जाते हैं अरे कैबेल तो भी है एबेल भी तो देते हैं मैथ के लिए अच्छा वो नहीं है चलिए अच्छा फिलहाल छः क्षेत्रों में दिए जाते हैं ठीक है मैथ के लिए अलग से नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी रहा है टोटल छः क्षेत्र हैं जिनमें ये वितरण किए जाते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है बताना है आपको तेजी से गुड इवनिंग प्रसन्न स्वागत है क्या लगता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है तो फाइव मेंबर कमेटी इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे नॉर्वे के पार्लियामेंट के द्वारा एक पांच मेंबर की कमेटी है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है एंड 2020 में किसे मिला है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है जिसमें 100 मिलियन लोगों 100 मिलियन भूखे लोगों को उन्होंने खाना खिलाया था अगला देखिए नोबेल पुरस्कार 2020 में कितनी राशि इनाम में दी गई कितनी राशि इनाम में दी गई ये बताना है आपको 100 मिलियन स्वीडिश क्रोन 11 मिलियन डॉलर या फिर 18,000 बोथ ऑफ नन ऑफ दीज क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका और बादल सिंह प्रसेंनजीत विट्टू वायरल बिट्टू प्रसेंदीत के एम महिमा चुलबुल कुमारी चुलबुल यार आपने नाम तुरंत चेंज कर लिया बड़ा जल्दी नाम चेंज किया <coughs> सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बोथ ऑफ द एब 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन कह लीजिए या फिर 11 मिलियन डॉलर 18,000 के आसपास बोथ आर सेम ठीक है करंट रुपया मतलब करेंसी चेंज के अनुसार भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उस ये कौन देता है आपको बताना है एंड दोस्तों वीडियो को कर दीजिए तेजी के साथ लाइक एंड शेयर तावड़ तोड़ तरीके से जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है तुरंत कर दीजिए दूर तलक जाए ये ओके okay, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द रॉयल स्वीडिस अकेडमी ऑफ साइंस ना द रॉयल स्वीडिस अकेडमी ऑफ साइंस जो कि भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार का वितरण करता है सही है अगला देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है साहित्य के क्षेत्र में यह बताना है आपको लिटरेचर स्वीडिश अकेडमी द रॉयल स्वीडिश अकेडमी कैरोलिनका इंस्टीट्यूट नीच क्या होगा आंसर इसका कौन प्रदान करता है ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है दोस्तों ये स्वीडिश एकेडमी ऑप्शन नंबर ए इज राइट स्वीडिश एकेडमी प्रदान करता है ठीक है 1901 में सबसे पहला वितरण किया गया था याद रखिएगा अगला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है इकोनॉमिक्स में कौन प्रदान करता है एंड uh, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं ताबड़तोड़ बादल प्रसेंजीत प्राची और कौन कौन है भाई रामझ रेवाती संजय रेवती सॉरी रेवती निकू अलग अलग आंसर है लेकिन रॉयल स्वीडिस एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन की यही दृष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी वितरित करती है क्लियर अगला अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे क्या बात है खतरनाक क्वेश्चन बताइए मुझे भी नहीं पता मतलब मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि कौन से देश से हो सकते हैं ये अब आप लोग बताइए कि एल्फ्रेड नोबेल कहाँ से रहने वाले थे तो एल्फ्रेड नोबेल दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे स्वीडन के रहने वाले थे ना ऑप्शन नंबर डी इज राइट स्वीडन इज राइट नेक्स्ट देखिए नोबेल पुरस्कार 1960 में सबसे पहले किससे मिला था 1960 में दिया गया था किसको दिया गया था कौन सा क्षेत्र है ये बता सकते हैं आप लोग तो हेनरी ड्यूनेंट एंड फ्रेडरिक पेशो पेशे बोथ और इजी देखिए इन दोनों को स्विश व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता इन दोनों लोगों को एक साथ दिया गया था 1960 में ठीक है 19 1960 hai, 1960 सही सही है है सी इज राइट डेटा डेटा नहीं सही है सही है ओके नेक्स्ट देखिए दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाले अलग ये इनका नाम बताइए बराक ओबामा ए पी जे अब्दुल कलाम लीनस पॉलिंग मैंने बता दिया इनका नाम तो कौन बताएगा कमेंट कीजिए मैंने लगभग सारे नाम आपको बता रखे हैं तो सही आंसर दोस्तों जाएगा लीनस पॉलिंग इज द राइट आंसर देखिए दो अलग अलग मैडम क्यूरी भी हैं उनको एक बार फिजिक्स में मिला है और एक बार केमिस्ट्री में मिला है लेकिन लीनस पोलिंग को एक बार केमिस्ट्री में मिला है और एक बार शांति के लिए दिया गया है ठीक है याद रखेंगे सी इज़ राइट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अगला देखते हैं 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन बने पहले अफ्रीकी व्यक्ति बने हैं दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए तेजी के साथ दूर तलक इसे पहुँचाते रहिए और भी लगातार टॉपिक मैं आपके लिए ला रहा हूँ आगे अपकमिंग और भी टॉपिक मैं लेके आता रहता हूँ जिससे कि सारे टॉपिक करंट अफेयर्स के मैं आपको कवर करा दूंगा जितने भी हैं सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इनका नाम था बंगारी मथई ठीक है बंगारी मथई पहले ऐसे व्यक्तित्व थे 2004 में जो अफ्रीका के व्यक्ति थे जिनको नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे एक्सरे की खोज के लिए इनका नाम क्या था बताइए भाई इजी है बहुत इजी है इवन क्या लगता है आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मिलेम कॉर्नार्ड रॉन्डन इन्हीं के द्वारा खोजा गया था तो एक्सरे की खोज के लिए नाइनटीन में पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे रोनजन ठीक है सी इज राइट अगला देखिए सही था ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला का नाम बताना है आपको हम्म इनका नाम बहुत छोटा है वान सटनर बीज राइट बड़ा नाम दस लिए वर्फा सोफी सटनर एक ऑस्ट्रेलियाई भोहिमियम शांतिवादी और उपन्यासकार हैं जिनको ये अवस्कार दिया गया तो इनका नाम बस आप थोड़ा सा याद रखेंगे वॉन सटनर इन्हीं को सबसे पहले दिया गया था 1903 1905 में दिया गया था 1903 में मैडम क्यूरी को दिया गया था तो मैडम क्यूरी को तो सबसे पहले फिजिक्स में दिया गया था फिर उनको केमिस्ट्री में दिया गया था इलेवन में नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम बताना है जो सम्मानित किए गए नोबेल पुरस्कार से <coughs> बताइए सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में मलाला यूसुफ जई इज राइट ना ऑप्शन नंबर डी से जाएगा मलाला यूसुफ जई को दिया गया था सबसे कम उम्र की सबसे कम उम्र की व्यक्ति है ये जिनको दिया गया 2014 में भारत की ओर से भी 2014 में मिला था शांति के लिए किसे कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था भारत की तरफ से ठीक है सही है ये तेरह साल की थी जब उनको यह अवार्ड दिया गया था नोबेल पुरस्कार में तीन बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है जिसको तीन तीन बार सम्मानित किया गया कौन है यूनिसेफ आई इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रॉस कमेटी बताइए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रॉस कमेटी यूनाइटेड नेशन तो क्रॉस को दोस्तों मिल चुका है तीन बार ठीक है क्रॉस को मिल चुका है तीन बार याद रखेगा अब कब कब मिला है तो सत्रह चौवालीस तिरसठ बस याद रखिएगा सत्रह तिरसठ अगला देखते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है फील्ड्स मेडल को ना एबल अवार्ड जो होता है ऑप्शन नंबर हाँ ठीक है प्रदीप लिटिल मिट थोड़ा बहुत है लेकिन से हो जाएगा वो भी ठीक है तो फील्ड्स पदक गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है याद रखेंगे सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीस में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी प्रथम भारतीय महिला जिनको 1979 में दिया गया एक्चुअली ये भारत की भी नहीं थी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको अलबिनिया की रहने वाली थी ये मदर टेरेसा इसके बाद एक साल बाद इनको 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1980 तो में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया ठीक है अगला देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है ये बताना है आपको तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है ये करता है कारोलिस्का इंस्टीट्यूट ऑप्शन नंबर बीज राइट कार्लिनस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों दिया जाता है तो ये थी क्लास दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार पे थी 2020 के लगभग सारे मैंने इन बिल्ड कर दिए हैं इसमें और इसी प्रकार लगातार और भी मैं करंट अफेयर्स के कर टॉपिक के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा अगर आपको वीडियो एक प्रकार से किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा देखिए अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं सबको फोकस करना है एस एस है सी चल दिया है सी है अभी एम का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिनों में तो जितने भी टॉपिक करंट अफेयर्स के बनेंगे स्टैटिक जीके के बनेंगे वो सारे टॉपिक में लगातार इसी समय पे साढ़े पाँच बजे वाली टाइमिंग में खत्म करूंगा आप लोगों के लिए ठीक है तो रिवीजन भी होता रहेगा प्लस साथ साथ हम लोग टॉपिक को भी कवर करते रहेंगे तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कल सेम समय साढ़े बजे इसी समय पर यहीं पर तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा मॉर्निंग में कोई क्लास अभी मेरी नहीं है मेरी बस एक ही क्लास है साढ़े पाँच बजे इसी समय पर वैसे बहुत सारी क्लासेस हैं आप उन सभी क्लासेस को भी देख सकते हैं ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम